So good morning people, welcome back to a new video. And brightness काफी ज्यादा बढ़ गई, right? धूप हो रहा है भाई, काफी ज्यादा धूप हो रहा है. सुबह सुबह देख सकते हैं ये सुबह सुबह का हाल है. बस हमको ही चाहिए थी कि बारिश कम हो जाए, बारिश कम हो जाए एंड धूप आ जाए. आ गई भाई धूप. एंड लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रूटीन. एंड टुडे आई गेस फिर से पंजाब उठाई जाएंगे. एंड लेट्स ट्राई कि कल से एज कल नया वीक स्टार्ट हो रहा है, कहीं और जाएंगे यार वॉक करने के लिए. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस. यार आज संडे है इसलिए भीड़ तो नहीं लग रहा है मेरे को, खाली खाली है पूरा. जब्बार ट्रेवल्स और जवार ट्रेवल्स, दिस इज वन ऑफ द नॉइजिएस्ट प्लेस. एंड यहां पे हम टेस्ट पे डाल सकते हैं माइक्रोफोन को, देखते हैं यार. मतलब आई गेस आवाज कितना सुनाई दे रही होगी, नॉइज डिटेक्शन तो हुआ होगा. यार आज संडे है ना इसलिए रास्ता पूरा खाली खाली है, वरना इस टाइम पे भीड़ रहती है काफी यहाँ पे. सो बैक टू पंजाब उठा अगेन. एंड यहाँ से हम करेंगे घर वापसी. वैसे व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड, अर्ली मॉर्निंग पे उठने वाले थे नहीं हम, लेट से उठते थे एंड दिन स्टार्टेड नहीं होता रहा. बट हाउ वी आर डूइंग इट, दैट्स इंस्पिरेशनल. सो आई विल टेल यू अ स्टोरी. जो भी रूम पे जाके बात करेंगे यार, यहाँ पे सारी बातें थोड़ी करेंगे. सी यू गाइस. यार किसी ने ब्रेजा को ऐसे कैसे मॉडिफाई किया है यार, मॉडिफिकेशन इज नाइस ब्रेजा की. अमीर पेट डजंट सीम लाइक अमीर पेट टुडे, आज गरीब पेट बन गया है यार, इतना खा लिया आज. सो दिस इज टुडेस ब्रेकफास्ट जो कि है सत्तू. आज दूध नहीं लाया बिकॉज आज मन नहीं है, आज सोचा सत्तू ही खा लेते हैं यार. सो वेलकम बैक गाइस. एंड I was going to talk to you about motivation, right? कि क्या motivational था मेरे लिए and how can you be motivated? वैसे क्या होता है यार, जब अपन running करने जाते हैं, most of the people, वैसे athletes push their limits, but most of the people like us, जब हम running करने जाते हैं या कोई भी workout करने जाते हैं, so it's in the mind कि ये नहीं हो पाएगा हमसे या वो नहीं हो पाएगा हमसे. सो हम डरते हैं यार टू पुश द लिमिट्स. सो व्हाट हैपेंस इज हम लोग तब तक पुश नहीं करते जब तक यार मसल्स क्रैम्प नहीं हो जाते या फिर पूरा थक नहीं जाते. थोड़ा चल लेते हैं या थोड़ा सा रन कर लेते हैं एंड थक जाते हैं. माइंड बोलता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा. दैट्स द मेन थिंग, वी नीड टू टैकल आवर माइंड. सो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए कि माइंड बोले नहीं यार नहीं हो सकता, पुश करके देखो बॉडी के लिमिट्स को, बिकॉज योर बॉडी इज रियली पावरफुल, राइट? एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो मैं ठंडे पानी से नहीं नहाता था कभी, घर में गीजर था या फिर बाहर जहाँ कहीं भी रहता था आई हैड अ हीटर विथ मी, या फिर कैसे तैसे करके पानी गर्म करके ही डेली नहाता था. बट दिस ईयर इन जनवरी when I went to, you know, Haridwar, Rishikesh, the temperature there was really low. बहुत ज़्यादा ठंड थी. And मैंने उस टाइम पे गंगा में डुबकी लगाई थी. मतलब टेम्परेचर बाहर का होगा अराउंड 1-2 डिग्रीज उस टाइम पे. एंड वैसे सिचुएशन में मैंने लगाई थी गंगा में डुबकी. एंड पहली बार जब डुबकी लगाई थी द हार्ट रेट वॉज रियली फास्ट एंड मेरे को लगा था मरने वाला हूँ क्या. बट नहीं, दूसरे तीसरी बार मजा आने लगा. फिर तो मन करने लगा यार ये तो कुछ भी नहीं, पानी में ही थोड़ी देर रहा जाए. सो दैट वॉज द थिंग. एंड एक बार तुम पानी में डुबकी लगा के आते हो ना चिल्ड वाटर में, उसके बाद बाहर तुमको गर्मी लगती है जितना भी ठंडा क्यों ना हो. सो वैसे ही आजकल मतलब जनरली जब ठंड पड़ती है, ओके, एंड ठंडे पानी से नहाने का भी मन नहीं करता, तो आई एम लाइक इट्स ऑल इन द माइंड. जब वहां पे कर लिया तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता. एंड लिटरली ट्राई दिस, अपने माइंड को फूल बनाओ एंड यू कैन पुश योर लिमिट्स, यू कैन डू एनीथिंग. सो दैट वाज हाउ आई गॉट मोटिवेटेड. एंड आप भी मोटिवेट हो सकते हैं इस बात से. सो
माइंड को कंट्रोल करने मत दो, बॉडी के लिमिट्स को पुश करके दे एंड यू कैन डू वंडर्स। सेम ही थिंग होता है जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, राइट? आपको ऐसा फील होने लगता है यार ये तो बोरिंग लग रहा है, ये तो मतलब पढ़ नहीं सकते। अपने ब्रेन को भी पुश करो ना यार, पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। कोई भी चीज हो उसको समझो, एंड वंस आप वो चीज को समझ जाओगे, कैसा फील होगा कि वो चीज आप पूरी तरह से समझ गए। ट्राई इट एक्सप्लेनिंग टू समवन, ओके? एंड ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि ये वो 5 साल का बच्चा है। ऐसा नहीं कि सोचो हम पढ़ाई कर रहे पाइथन की। अगर आप एक टॉपिक पाइथन में समझ गए, फॉर एग्जाम्पल लूप्स, वो आप किसी को ऐसे समझाओ कि वो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है एंड उसको बेसिक से नहीं पता, उसको बेसिक मैथ्स भी नहीं पता है, वैसे समझाओ। तो उस वे में आपको पता चल जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है। पुश योर ब्रेन, पुश योर बॉडी, एंड इट्स ऑल इन द माइंड। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। वैसे बात टाइमिंग की है, हम लोग निकल ही गए थे रूम से, बोल देते किसी को कलेक्ट करने के लिए, बट गॉड बोथ आवर पार्सल्स रूम पे रख के निकलेंगे। तो ये हो गई मेरे दोनों प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग। ये रहा ट्राइपॉड व्हिच विल हेल्प अस रिकॉर्ड, एंड दिस इज आवर क्रिएटिन। कल से अपन का क्रिएटिन साइकिल स्टार्ट हो रहा है। वैसे ये डब्बा है 900 रुपए का। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो। कुछ अलग करेंगे। सो हम जा रहे हैं डेंगू पेशेंट के पास भी, एंड वो तो जाने के बाद ही पता लगेगा डेंगू पेशेंट कौन है। T-shirt's looking nice, right? Back with that sawala print, and I'll show you the T-shirt. And we've like jagah mila jahan pe ye sare T-shirt na bahut saste mein tha. Batao comment section pe agar dedicated video chahiye us shop ke upar, jaake banayenge bhai, uska bhi promotion ho jayega. And now we are at Amirpet Mall, metro station. तो ज्यादा ही भीड़ नहीं है आज मेट्रो में? मेट्रो रीच्ड JNPU स्टेशन, एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन इवनिंग वाला रूटीन, वॉक करने वाला। ये इवनिंग वाला रूटीन मतलब इतना इजी लगने लगा है मेरे को, मॉर्निंग एंड इवनिंग का रूटीन आजकल, बिकॉज आई एम पुशिंग माई ब्रेन, माई बॉडी, एंड माइंड की नहीं सुनता मैं, एंड अब तो माइंड भी बोलता है यार कर लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। ले रहे डेंगू पेशेंट के लिए वैसे ड्रैगन फ्रूट। वैसे मैंने एक बार ट्राई किया था ड्रैगन फ्रूट, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मतलब दवाई पर्पस के लिए ठीक है, दवाई लगती है मतलब। उसका एग्जैक्ट टेक्सचर बताए तो, अगर आपने आइस एप्पल खाया हो कभी, टाड़ बोलते जिसको, उसमें अगर अपन डाल दे सब्जा सीड्स, वही होता है ड्रैगन फ्रूट, बहुत अजीब लगता है। चलो पेशेंट के लिए लेके जाते हैं, एंड JNPU मेट्रो में होता उतरा तो पता चल ही गया डेंगू पेशेंट कौन है अपना। चलिए फिर उसके साथ मिलते हैं, एंड ऑलमोस्ट देयर। और अराउंड होगा 600-700 मीटर या 1 किलोमीटर। चलो वहां पे रिकॉर्ड करते हैं। इतना चल चल के ऐसा फील होने लगा यार, एक दिन था कंधे पे ऐसे पैर लेके जाएंगे हम उठा के। आज का इवनिंग रूटीन भी कंप्लीटेड यार। एंड छोटे मजदूर से मिलते हैं। एक पेशेंट ये पीने वाला वैसे ये पपाया के पत्ते का जूस है, यम्मी। सकुने वाला मुंह पर नहीं लू क्या रे, सकुनी बन गया। ड्रैगन फ्रूट अभी पेशेंट के लिए बन रहा है। सो वेलकम बैक टू या स्टोरी टाइम। अभी किताब के टॉपिक पे बात करेंगे, राइट? पढ़ाई हो गई आज किताब की, एंड टुडेज टॉपिक वाज सरप्राइज, जो कि मैं छोटा मजदूर को देने आया हूँ। तो वैसे अकॉर्डिंग टू टुडेज टॉपिक बेसिकली क्या होता है ना, लोग पास्ट के इवेंट्स को देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार सच भी हो जाता है,
ओके पास के इवेंट्स को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी कभार ऐसे टेल इवेंट्स होते हैं ना जो दुनिया को घुमा के रख देती है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, मतलब सोचो पिछली बार आई मीन 1800s में हुआ था अपना स्पेनिश फ्लू वाला पैंडमिक, एंड वो फिर से रिपीट हुआ. दिस टाइम इट वॉज कोविड पैंडमिक विच टुक मेनी लाइव्स, बट देर आर सर्टेन टेल इवेंट्स जो कि यार मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम लोग देखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे 9/11 की. सो बेसिकली 9/11 कैसे हुआ था, एक मतलब हाईजैकर्स अगर पकड़े जाते हैं चाकू लेके जाते हुए फ्लाइट में तो शायद वो हाईजैक नहीं होता. एंड उस हाईजैक ने 9/11 ने मतलब एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया था उस टाइम. तो डोमिनो इफेक्ट में क्या हुआ, हाउसिंग बबल हुआ पहली बार. तो हाउसिंग बबल क्या होता है, जनरली डिमांड जब बढ़ जाता है घरों का ओके एंड सप्लाई कम हो जाता है, सो दैट्स अ हाउसिंग बबल. एंड जब डिमांड बढ़ता है एंड सप्लाई कम होता है देन प्राइसेस फटाफट बढ़ते हैं बिकॉज पीपल नीड हाउसेस एंड दे आर रेडी टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी दे कैन, राइट. सो हाउसिंग बबल को टैकल करने के लिए क्या हुआ, मतलब पैसे कमाने हाउसिंग बबल को टैकल करने के लिए. एंड उसके लिए हाउसिंग बबल को ठीक कैसे किया गया, यूएस गवर्नमेंट में टैक्सेस में पैसे काट दिए, मतलब टैक्स कम लेना चालू किया यूएस गवर्नमेंट ने, तो हाउसिंग बबल का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. एंड टू बाई न्यू हाउसेस पीपल नीडेड मनी, सो बेसिकली ज्यादातर लोग कॉलेज एजुकेशन की तरफ अट्रैक्टेड हुए. एंड 1.3 trillion dollars का मतलब कॉलेज लोन्स था उस टाइम पे. सो एक हाईजैक ने, एक बड़े इवेंट ने जो कि टेल इवेंट बोल सकते हैं हम, इतने सारे डोमिनो इफेक्ट्स को कवर किया यार. इतना डोमिनो इफेक्ट हुआ कि यार मार्केट हिल के रहेगी. एंड ये सब का इफेक्ट किस पे पड़ा डायरेक्टली पता है, जॉब मार्केट पे. एंड उस टाइम पे भी बड़ा रिसेशन आया एंड ये सब ना हिला के रखती थी. एंड ऐसा पहली बार हुआ था वर्ल्ड में, इससे पहले कभी नहीं हुआ. तो इस चैप्टर में ये बताया जाता है कि आप हिस्ट्री को देख के कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. आई शेयर एन एग्जाम्पल विथ यू, my experience with Dogecoin. So what happened is, जब मैंने Dogecoin purchase किया था उससे पहले उसकी history यार तगड़ी थी. Basically वो कुछ पैसों से जाके 57 मेरे trading के time पे जाके पहुंची थी. उसका खतरनाक वाला crash कभी नहीं हुआ था, but मेरे साथ हो गया tail event. And the Dogecoin market, Dogecoin क्या यार, crypto market went crashing that time. I lost money. So, मैंने भी गलती की कि भाई पास्ट को देख के भाई मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ फ्यूचर में भी मैं बहुत पैसे कमाऊंगा. सो कभी ना कभी लाइफ में टेल इवेंट्स होते हैं एंड दैट्स सरप्राइजिंग. जरूरी नहीं है कि हर टेल इवेंट का आउटकम अच्छा ही हो, बुरे आउटकम्स भी होते हैं भाई. सो दैट्स द थिंग एंड आई होप यू लाइक टुडेस चैप्टर. सो स्टे ट्यून्ड. सो ये है नया टी शर्ट जो हमने 400 में खरीदा है. And if you want, I'll make a separate video for you. So the main part about this t-shirt is this thing. And ye tha aaj ka transformation wala selfie. Rom rom bhaiyo, to system phad denge. Aaj kya khaya hum khane mein? Egg. Aur? Egg. Egg aur rice kya? Egg aur egg. Egg aur egg. डेंगू पेशेंट को ऐसे खाने के लिए बनाया सब कुछ एंड वो दो महीने तक चिकित्सा होने वाला एक हफ्ता, दो महीने तक मना किया है डॉक्टर ने एक हफ्ता, उसको बिरयानी तो छोड़ो कुछ नहीं मिलने वाला एक हफ्ता, खास फूड ड्रैगन फ्रूट खा के रहेगा वो हफ्ता, लेने आऊंगा हफ्ता वसूली क्या. यस तो उसी के साथ आज का हो गया पानी वाला टारगेट भी कम्प्लीट. मच्छरदानी में होंगे, मच्छरदानी में भी मच्छर है यहाँ पे. Subscribe, like, share. Yes, to AB Wanderer. Stay tuned, guys.